नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। बरसात के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ यदि कुछ खाने का मन करे तो क्यों ना हम ऐसा ही नाश्ता बनाएं जो कुछ ही मिनटों में और बहुत ही कम सामान में बनके तैयार हो जाता है, जो खाने में तो टेस्टी लगता ही है, साथ ही क्रिस्पी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम एक कटोरी चावल का आटा डाल देंगे, एक कटोरी सूजी, यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है जिसे कि हम रवा भी कहते हैं, और आधी कटोरी हम यहाँ पर मैदा डाल देंगे। मैदे की बजाय आप यहाँ पर बेसन भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बजाय आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। दो मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे, और दो छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल, एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ। इसके बाद डाल देते हैं हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसके बाद हम गैस पर ये तड़का फिर रख देंगे। गैस ऑन करके इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए आप इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल जरूर डालें। और इसमें हम डाल देंगे ये हींग, एक छोटी चम्मच जीरा। गैस बंद कर देंगे और इसी तड़के में हम ये मीठा नीम की पत्तियां डाल देते हैं बारीक काट के। और इस तड़के को हम इसमें डाल देंगे। एक बार पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए इस बात का आप ध्यान रखें कि आप तेल गरम ही डालें। इस तरीके से तड़का डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। यदि आप इसमें ठंडा तेल डालेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें गुनगुना पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस पानी को हल्का सा गुनगुना कर लें। तो अब हम हाथों से इसे मिलाते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो आप देखिए हमने इसका डो लगा लिया है, और इस तरीके का सेमी सॉफ्ट डो हमें लगाना है। और इस डो को लगाने में मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था, उसमें से 3/4 कप पानी की जरूरत लगी है। तो अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे और पहले इसका एक गोल पेड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। और दोनों हथेली के बीच में लेकर इसे हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे। देखिए बहुत ज्यादा इसे हम मोटा नहीं रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि साइड में हमने इसे पतला किया है और बीच में हल्का सा ये मोटा है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ वड़े बना करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम एक एक करके और ये नाश्ता इसमें डाल देंगे। पहले से हमें वड़े बनाने की जरूरत नहीं है। तेल गर्म होने पर आप इस तरीके से वड़े बनाकर और तेल में डालते जाइए और फ्राई करते जाइए। तेल में डालने के बाद हम गैस की आंच थोड़ी धीमी कर लेंगे, यानी कि मीडियम कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक बार में जितने वड़े कढ़ाई में आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे, और थोड़ी देर बाद आप देखिए फ्राई होकर के ऊपर आने लग गए हैं। तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं। इनका कलर एक तरफ से हल्का सा चेंज होने लगा है। इन्हें फ्राई करने के लिए बस इस बात का हम ध्यान रखें कि मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई होने देंगे, और थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से उलट पुलट करते हुए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो।
अगर हमने हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लिया तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर दोनों ही तरफ से उलट पलट करते हुए हमने इन्हें फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है और ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, यानी कि क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इन्हें निकाल लेंगे वरना इनका कलर और डार्क हो जाएगा। और इस तरीके से हम सभी को फ्राई कर लेते हैं। चावल से बना होने के कारण ये नाश्ता क्रिस्पी तो होता ही है, लेकिन हमने इसमें जो प्याज डाले हैं इसकी वजह से इस नाश्ते का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। एक बार तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम गैस की आंच मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। अगर हमने इन्हें ठंडे तेल में फ्राई किया तो तेल में जाने के बाद फट सकते हैं या बिखर सकते हैं। तो नाश्ता बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो इस तरीके से नाश्ता बना करके आप चाय के साथ सभी को सर्व कर सकते हैं। फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, नाश्ता बन करके तैयार है। आप इस नाश्ते को किसी भी चटनी या सॉस के साथ खाइए, ये खाने के स्वाद को और बढ़ा देगा। गर्मा गर्म ही खाने में तो टेस्टी लगता ही है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये और भी क्रिस्पी हो जाते हैं, इसलिए टेस्ट बढ़ जाता है। तो आप इन्हें बनाकर लगभग 7 से 8 दिन तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं और उतने ही क्रिस्पी बने रहते हैं। इन्हें बना करके आप किसी एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख दीजिए। तो मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो आप भी जल्दी से चावल से बना हुआ यह नाश्ता बनाइए और सभी को खिलाइए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।